जुस्तजू ये है कि कुछ खास मैं तैयार करूं, अपनी कामयाबी से पहले अपनी मेहनत से मैं प्यार करूं। लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है कुछ हासिल करना, मैं ये कहता हूं कि उनकी बात पे एतबार करूं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जो हमने रिवीजन सीरीज का मुहिम उठाया है आपकी सफलता के लिए, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। आज का जो वीडियो है रिवीजन 24 और अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के, कल कुछ मैंने बेहतरीन क्वेश्चंस लिए थे, आज उसके आगे उससे थोड़ा सा और हाई लेवल क्वेश्चन लूंगा। ज्यादा से ज्यादा यानी एप्लीकेशन इंटीग्रल में आप 5-6 क्वेश्चन पढ़ोगे और डेफिनेटली उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो चैनल पे इसी तरह जुड़े रहें, हर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें, आपको जरूर मजा आएगा और सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। चलिए शुरू करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स 4x² + 9y² = 36 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सेस। एलिप्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त कहते हैं। तो आपको याद है जो दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है एलिप्स का, वो ये होता है x² / a² / y² / b² = 1, ये होता है, ठीक है। फिर आप कहोगे ये कैसा इक्वेशन है भाई, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें क्या खास है? इधर वन है, हम ले आ लेंगे इधर वन भाई, 36 से डिवाइड कर देंगे पूरे को। देखिए कैसा बन जाएगा, 4x² + 9y² = 36। पूरे को 36 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है ताकि हम ए बी यहां से कंपेयर कर सकें, तभी तो उसका शेप बनाएंगे ना कि हमारा एलिप्स कैसा होगा, तभी तो पता चलेगा। इसलिए यहां पे हमने क्या किया, 4x² / 36 9y² / 36 = 36/36 यहां कैंसल हुआ, सो x² / 9 + y² / 4 = 1। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या है, 9 है, और बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या है, 4 है ना। तो इसका मतलब है यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बी की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखो हमारे पास एलिप्स दो टाइप का बनता है, यहां पर ये ए ग्रेटर देन बी वाला केस है ना, मीन्स एक्स एक्सिस पे बनना है उसको। तो इस एलिप्स का हम एक शेप बना लेते हैं, ये लीजिए ये एक मैंने एलिप्स यहाँ पे बना लिया है और इसको डिवाइड कर लिया ऐसे। तो वैसे ये क्या होता है, बीच में इसका फोकस हुआ करता है, जिसे हम नाभियाँ भी कहते हैं, दो फोकस होते हैं इसमें। तो अब देखिए इसने ये भी बोला है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो भाई एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, पहले में ही होते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये इस एरिया की बात यहाँ पे कर रहा है कि नहीं, इसी एरिया को हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसी को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब इसको हम, अब देखिए ये क्या होता है, ये तो वही ओरिजिन है यानी 0-0 पे ही है, और ये जो होता है इसको मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष कहते हैं, इसको माइनर एक्सिस या लघु अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा वर्टेक्स होता है जिसे शीर्ष कहते हैं, 1, 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3, 0। अब अगर इधर की मैं बात करूं तो ये -3, 0 हो जाएगा, और ये होता है 0, b। भाई कभी भी अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वहां वाई जीरो होता है, और अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स जीरो होता है। तो सीधी सी बात है, यहां मैंने एक्स 3 लिया है और वाई 0, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे है और ये वर्टिकल जो है ये वाई एक्सिस है ना, सो यहां पे क्या है, एक्स 0 होगा, और बी कितना है मेरा, 2, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 2। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस पार्ट का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहां पे जैसे हम इसको पी कह दिए, एक्स वाई हो गया, इसका विशेष कोई अलग से यूज नहीं है, पर ये हम दिखा दिए, हमने शो कर दिया कि भाई किस पार्ट का हमें एरिया निकालना है।
अब आप देखो, जब एक्स एक्सिस पर है, कल भी मैंने आपको लिखाया था कि इसका फार्मूला क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, याद है, कल भी बताया था। और अगर वाई एक्सिस वाला होता तो एक्स डी वाई का केस बनता, ठीक है। अब जो हमारे सामने है हम उसको लेके चलेंगे ना। अब जो ये इक्वेशन है इसके लिए हमें यहां पे पुट करना होगा लिमिट, तो लिमिट तो ये मिल जाएगी जीरो से थ्री, एक्स ही तो लेना है ना यहां पर, तो जीरो से थ्री हमारी लिमिट हो गई। और वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, चलो यहां से हम वाई को एक्स के टर्म में कर देते हैं, मींस अलग कर देते हैं। जैसे देखो ये क्या हो जाता, नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4x स्क्वायर, ये उधर गया तो माइनस में चला गया। अब ये 9 उधर जाएगा तो जाहिर है कि डिवाइड में जाएगा, ये देखिए। अब मैं स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ पे रूट लगेगा और प्लस माइनस लगेगा, लेकिन मैं माइनस वाला नहीं लिखूंगा, क्यों, उन्होंने पहले ही कह रखा कि भाई पॉजिटिव लेना है, ठीक है, हमने पॉजिटिव ले लिया, अंडर रूट 36 माइनस 4x स्क्वायर और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, अब वाई के प्लेस पे वही वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी है, ठीक है ना। तो जो हमारा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन हो जाएगा, मीन्स इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, या आप लिख सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वो हम यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिमिट मैंने अभी बताई थी 0 टू 3 होगा ये, और y के प्लेस पे ये 1/3 चलो मैंने कर दिया बाहर, उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या रह जाएगा, अंडर रूट 36 माइनस 4x स्क्वायर dx। भाई जो y dx होता है y के प्लेस पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है कि नहीं, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं। सो अब हमें, तो अब ध्यान करो, कल के क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा एक इंटीग्रेशन आपको बताया था, बाकी इंटीग्रेशन आप पहले पढ़ ही चुके हैं, ये किस टाइप का है, 36 को मैं 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये जो 2x है, 4x स्क्वायर है, इसको 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर क्या करें, 2x इज इक्वल टू t सपोज कर लें, तो 2dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, या फिर dx क्या हो जाएगा हमारा, dt अपॉन 2। अब देखिए, मैंने कहा था कि अगर आप कुछ x की जगह लेते हो तो लिमिट भी चेंज होती है, पर मैं लिमिट नहीं चेंज करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि लिमिट लगाएंगे ही नहीं, पहले हम t के रेफरेंस में निकाल लेंगे, फिर उसे x में करके तब लिमिट रखेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हो, या तो लिमिट वहीं पे चेंज कर लो परमानेंटली, या फिर लिमिट नहीं चेंज करना चाहते तो जब तक वो t के फॉर्म में चल रहा है तब तक आप लिमिट सब्स्टिट्यूट ही मत करो। जब आप इंटीग्रेट कर लोगे और t की जगह फिर से उसे x के टर्म में ले जाओगे तब आप वहां पे लिमिट रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई 2, क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2, यानी ये 1/6 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब देखो, मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखाया था, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वही फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला मैंने आपको कल भी लिखाया था, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, भाई फार्मूला ही आपको नहीं याद होगा तो आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, ये फार्मूला आपके सामने, x के प्लेस पे यहां पर t है, सो ये क्या हो जाएगा, t बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स ये तो सेम आ जाना है, मीन्स 36 माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 6 है, यानी ये क्या हो जाएगा, 36 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के प्लेस पर फिर वही t है और ए के प्लेस पे 6 है, दिस इज t बाई 6 प्लस सी।
वैसे यहाँ पे हम सी नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लिमिट सब्सिट्यूट करना रहता है तो सी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमने लिमिट लगाया भी नहीं है, अभी हम लिमिट लगा दे रहे हैं फिर से इसमें। तो 1/6 टी के प्लेस पे हमने आई थिंक 2x माना था, ठीक है। तो ये 2x/2 एंड दिस इज 36 माइनस 4x² प्लस 18 साइन इनवर्स 2x/6 एंड लिमिट थी हमारी 0 to 3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो वी हैव 1/6 अंडर रूट 36 माइनस 4x² प्लस 18 एंड दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड साइन इनवर्स x/3 0 to 3। मीन्स हमारा जो इंटीग्रेशन है ना स्टूडेंट्स, वो तो खत्म हो गया। फिर क्या करना है? अब वही लिमिट सब्सिट्यूट करना है, बिल्कुल उसी तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है ना। तो उसी बेसिस पर हमें यहाँ पे चलना है। तो ये हो जाएगा 1/6, पहले हम 3 रखेंगे x के प्लेस पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। तो अंडर रूट 36 माइनस 3² मीन्स 9, 9 × 4 = 36, भाई ये तो हमारा 0 हो गया, प्लस 18 साइन इनवर्स 3/3 माइनस। अब मैंने यहाँ माइनस लगा दिया ना, तो इन दोनों में ही माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो जब 0 लूँगा यहाँ पे, तो ये अंडर रूट 36 बचेगा, भाई यहाँ 0 लिया तो 4 × 0 मीन्स 0, तो 36 माइनस 0 दैट इज 36 एंड यहाँ पे क्या है माइनस 18 साइन इनवर्स 0। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, दिस इज 1/6, ये 0 है और ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो 18 साइन इनवर्स 1, 1 साइन में किसकी वैल्यू है 90 की, जिसे हम π/2 लिखते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन π/2 लगा दिया और ये 6 आ जाएगा, और ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सो वो पूरा ही 0 हो जाएगा, उसे हम हटा देते हैं। यहाँ भी इनवर्स का काम ख़त्म हो गया, सो देर इज 1/ चलिए यहाँ लिख लेता हूँ, देर इज 1/6 ब्रैकेट में क्या है 18 × π/2 मीन्स ये कैंसिल हो गया, दिस इज 9π माइनस 6, ठीक है। अब हम चाहें तो इसमें से क्या करें, 1/6 है भाई, 3 भी कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 3π - 2 और ये कैंसिल, यानी कि 3π - 2/2² यूनिट, ये हमारा इसका एरिया आ गया है शेडेड रीजन का। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो ये वैल्यू निकाल ली है, पर एक सेकंड देखो, यहाँ पे जो x है मेरा छूट गया है, सो यहाँ पर x ज़रूर रख देना। तो जब मैं यहाँ x रखूँगा, ये x मैंने क्या रखा था पहले, 3 लिया था, सो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी x है 0, तो × 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा ही 0 हो जाएगा। मीन्स ब्रैकेट में हमारा केवल 9π बचेगा, तो हमारा आंसर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, ये कितना हो जाएगा 9π/6, 3 × 2 = 3, 3 = मीन्स 3π/2² यूनिट, ये है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिल सकते हैं। और ये मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता है। ये एलिप्स वाला क्वेश्चन, पैराबोला वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज का दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द इनक्लोज बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। एक वृत्त है, एक परवलय है और क्या है, एक्स एक्सिस है। तो भाई देखो, सबसे पहले जो जो इक्वेशन दिए हैं हमारे पास, जो सर्कल का इक्वेशन है जिसे हम वृत्त का समीकरण करते हैं कहते हैं, x² + y² = 8x, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा है y² = 4x, ये हो गया इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम अपना, हमें भाई मालूम है कि सर्कल कैसा होता है, और हमें ये भी मालूम है कि पैराबोला कैसे होते हैं। पैराबोला के जो 4 केसेज हैं, हम उस पर मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेंगे, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सबसे पहले देखिए शेप तो मालूम है,
पर एक्चुअली उसका शेप कैसे होगा उसके लिए जरूरी है कि हम उसका इंटरसेक्शन पॉइंट जाने, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा उसी से हमें लिमिट भी मिलनी है। जब इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं पता होगा तो फिर हम ये लिमिट किस तरह से निकालेंगे, है कि नहीं। सो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक व दो से देखो ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है तो मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू एट एक्स। इसको इधर ले आऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ एक्स कॉमन लूँ तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब बारी बारी से ज़रा देखो, एक बार मैं x इज इक्वल टू जीरो कह सकता हूँ, दोबारा x इज इक्वल टू फोर, यहाँ से x इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x माइनस फोर इज जीरो देन x इज जीरो। तो भाई x इज जीरो आ गया, अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे x जीरो रखूँ तो y भी जीरो होगा, मीन्स एक इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा क्या होगा, जीरो जीरो होगा। अगर प्लस फोर रखूँ यहाँ पे तो y की दो वैल्यू निकलेगी, एक तो प्लस फोर, भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर ना, तो एक तो प्लस फोर आएगा और एक होगा माइनस फोर। तो अब चलिए हम अपने शेप को बनाते हैं कि एक्चुअली वो होगा कैसे। तो भाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी 4ax टाइप का है, तो इसका शेप तो ऐसे होगा, आपको मालूम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम सर्कल को दिखा देते हैं फिर। तो 0-0 पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, मीन्स ओरिजिन को वो कट कर रहे होंगे। तो मीन्स एक ये हमारा हो गया सर्कल, जिसे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। और क्या है हमारा, पैराबोला भी तो है, तो पैराबोला को हम दिखा दें भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट तो उसका भी यही है ना, उसका भी का मतलब क्या भाई, बात साफ है कि आपस में ही तो ये कट कर रहे हैं। तो ये 0-0 हो गया, अब ये 4-4 है तो दोनों प्लस में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये 4-4 यहीं पे हो सकता है। और इसकी अगर बात करूं तो 4, -4, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस माइनस में होता है, x एक्सिस तो यहाँ भी प्लस में ही होता है। तो इसका मतलब हमें कौन सा एरिया चाहिए स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया, ठीक है, पहचान लो भाई, इसी एरिया को फाइंड करना है। अब आप इतना देख के तो समझ गए होंगे कि अगर ये एरिया फाइंड करना है तो ये जो सर्कल का एरिया है, अगर इससे मैं पैराबोला का जो एरिया है ये वाला माइनस कर दूं तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0-4। भाई आप चाहो तो उसको नेमिंग अलग अलग कर लो, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से क्या होगा, वाई डी एक्स, यानी वाई यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, या फिर स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट में आएगा ना 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सिट्यूट कर लेंगे। तो पहले हमने सर्कल का एरिया ले लिया 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx, भाई रूट लगा है तो चलो रूट लगा दिया, माइनस पैराबोले वाले को करना है ना, परवले को लिमिट तो यहाँ भी वही रहनी है। और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसका मतलब y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x, या इसको हम 2√x लिख सकते हैं, ठीक है भाई, चलो लिख दिया 2√x dx, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर गौर करिएगा ये क्वेश्चन फिर से। अब ये जो 0-4 है, लिमिट लगी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, 8x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको भी हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई कर सकें। नहीं तो ऐसे तो कोई तरीका है नहीं, ना ही ऐसा कोई फार्मूला है जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकें। तो स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बात किया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख लें। जैसे अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँ तो यही चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, है ना। तो क्या करूँ, यहाँ प्लस 16 माइनस 16 ऐसे लगा दिया,
आप कहोगे ये कैसे डायरेक्टली लगा दिया, भाई देखो ना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी फोर, बी की जगह फोर आ रहा है तो उसी का स्क्वायर जोड़ते हैं, सेम उसी को घटाते हैं, इस टू को कर दिया बाहर, इसका तो कोई खेल है नहीं भाई। तो रूट एक्स मीन्स एक्स टू पावर वन बाई टू डी एक्स, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो टू फोर। अब देखो जरा ये जो इतना आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन, दिस इज एक्स माइनस फोर टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंडर रूट माइनस एक्स माइनस फोर टू होल स्क्वायर, और ये जो माइनस सिक्सटीन बच रहा है ये प्लस सिक्सटीन बन जाएगा। तो मीन्स इसको ऐसे लिख दिया प्लस सिक्सटीन डी एक्स माइनस टू, इसका तो इंटीग्रेट बड़े आसानी से कर सकते हो, जो भी पावर है प्लस वन कर दो भाई, सेम चीज़ नीचे कर दो। मीन्स एक्स टू पावर वन बाई टू प्लस वन करोगे तो थ्री बाई टू, नीचे भी कितना आना है थ्री बाय टू ही आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसा कि आप जानते ही हो कि आफ्टर इंटीग्रेटिंग लिमिट तो कंटिन्यू रहती है, सो हम इसे वैसे ही कर देंगे और ये जो पार्ट है इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज जीरो टू फोर, अच्छा नहीं लग रहा है इसे, इसको मैंने प्रॉपर लिख दिया इस तरह से x माइनस फोर टू होल स्क्वायर डी एक्स माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा टू अपॉन थ्री और ब्रैकेट में x टू पावर थ्री बाई टू जीरो टू टू। इसे हमने क्यों बाहर कर लिया भाई, जो लिमिट पुटिंग है वहाँ पे इसका कोई यूज ही नहीं, कॉन्स्टेंट है, तो इसे हमने बाहर कर दिया, ठीक है ना। अब ये थ्री बाई टू था तो टू ऊपर चला गया। अब आप इसे पहचानो ध्यान से, ये पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला बन गया है माइनस फोर बाई थ्री। अब मैं यहाँ लिमिट रखूंगा तो दिस वॉज फोर एक्चुअली, तो फोर टू पावर थ्री बाई टू माइनस जीरो टू पावर थ्री बाई टू, ठीक है। क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है? अरे बिल्कुल आसान है भाई, हाँ देखो ना एक एक पोल इसकी खुल गई, अब कैसे आसान लगेगा। अब इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए, तभी तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, अगर वो आता है तो फिर कोई समस्या नहीं है, सब निपट जा रहा है, ठीक है। तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, x बाई टू इंटीग्रेटिंग, x की जगह ये x माइनस फोर है तो x माइनस फोर बाई टू अंडर रूट ये पूरा मीन 16 माइनस एक्स माइनस फोर टू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए की जगह क्या है ये 4 है मीन 16 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए मीन्स एक्स माइनस फोर अपॉन फोर। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहते तो एक्स माइनस फोर को टी ले लेते फिर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, पर कोई फर्क नहीं पड़ना, वैसे भी यहाँ कुछ कोफिशिएंट में है नहीं कि कुछ रुकना है, तो ऐसे मैंने डायरेक्टली फार्मूला पुट कर लिया है, आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट कंटिन्यू रहेगी जैसा कि पिछले पार्ट उसमें थी, एंड माइनस फोर बाई थ्री, फोर को हम टू स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और जीरो की कुछ भी पावर हो जीरो ही आता है, ये टू से टू कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे इसके, इस वाले में भी लिमिट रखते हैं उसी तरह से, बिल्कुल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले मैं 4 रखूंगा तो आप देखो यहाँ पे 4 माइनस 4 यानी 0 हो गया, तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं, ये पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। 0 प्लस ये 2 16 बाई 2 है मीन्स ये 8 हो जाएगा, तो 8 साइन इनवर्स 4 माइनस 4 यानी वो भी 0 बाई 4 0 ही हो जाएगा, ओवरऑल ये भी 0 आ जाना है, आपको मालूम ही होगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये कैंसिल होके ये भी ओवरऑल पूरा ही जीरो हो जाएगा। अब अंदर वाले की उसकी बात करूँ मैं तो वहाँ पे क्या बचना है, नहीं उसकी बाद में करेंगे, पहले लोअर लिमिट भी तो रखेंगे, इस बार एक्स के प्लेस पे हम जीरो रखेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस फोर बाई टू यानी प्लस फोर हो गया भाई, जीरो रखा जीरो माइनस फोर बाई टू माइनस फोर बाई टू, एक माइनस पहले से लगा है तो प्लस फोर बाई टू अंडर रूट, ये भी जीरो ही है तो ये 16 माइनस ये भी ओवरऑल जीरो ही हो गया। देखो कैसे, जब मैं जीरो रखूंगा जीरो माइनस फोर मीन्स माइनस फोर और इसका स्क्वायर होगा 16 माइनस 16 जीरो, सो ये भी जीरो ही हो गया। एंड माइनस लास्ट वाले की बात करूं जो था 8 साइन इनवर्स जीरो माइनस फोर बाई फोर यानी ये कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, माइनस फोर अपॉन थ्री
ये वाला 2 to power 3 मीन्स कितना 8 हो गया। चलिए तो ये तो फिलहाल पूरे जीरो हो गए, इनकी कोई बात मुझे नहीं करना है। सो ये है 8 साइन इनवर्स माइनस 1। भाई साइन माइनस में कहाँ पे होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में जानते ही हो 180 प्लस थीटा होता है, मीन्स पाई प्लस पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पे माइनस 32/3। अब यहाँ से फिर ये कैंसिल हो गया, सो 8 into LCM लूँगा तो 2π प्लस पाई मीन्स 3π/2 माइनस 32/3। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी हैव नाउ 12π माइनस 32/3, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, जैसे हमने जो माइनस की जगह पाई प्लस पाई बाई 2 किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको याद होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखते थे, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर इस बेसिस पर मैं यहाँ पर इसका माइनस पहले ले आऊँ तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा बन जाता 8 sin inverse 1 माइनस 32/3। और फिर इसे सिंपली क्या करते, 8 sin inverse इसको हमने लिख दिया sin π/2 माइनस 32/3, यहाँ पे ये हो गया कैंसल, इससे ये कैंसल हो गया, क्या आया 4π माइनस 32/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स आंसर ये भी सही है, पर एक्चुअली इनवर्स का यूज हुआ है तो क्यों ना हम इनवर्स की प्रॉपर्टी को प्रॉपरली यूज करके इसे सॉल्व करें। सो यही हमारा पर्टिकुलर एरिया हो गया जिस जोन का हमें एरिया चाहिए था, ठीक है। याद रखिएगा कभी ऐसा भी हो सकता है कि एरिया माइनस में लगा हुआ हो तो भी, कभी भी अगर आपका एरिया माइनस में आता है तो आपको प्लस में ही लिखना है, क्योंकि आप जानते हो कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक साथ 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्योंकि आज मैं 5 क्वेश्चन आपको लेकर के बताना चाह रहा था, क्योंकि ये तीनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पर तीनों इसलिए भी लिख लिया है क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा पहले आपको इसके बारे में बता दूं। जैसे सबसे पहले आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड कट ऑफ बाई एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2, ठीक है। हमें क्या करना है, स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। तो देखो भाई सर्कल, पहले आप सर्कल बना लोगे ऐसे, ठीक है, और जो हमारी लाइन है वो क्या है, x इज इक्वल टू ए रूट 2। आप उसका भी चाहो तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, यहाँ पे रख दो x की जगह a बाई रूट 2 आप रख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए रूट 2 है, जो देखो सिंपली अगर मैं बात करूँ, मान लो वो लाइन कुछ ऐसे जा रही हो तो इधर क्या है, ग्रेटर पार्ट है और स्मॉलर पार्ट इधर है, मीन्स यही पार्ट मुझे चाहिए, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है ए। अब अगर रेडियस ए है तो ये पॉइंट कितना होगा, ए कॉमा 0, और ये क्या है एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट 2, मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ए बाई रूट 2, 0, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ये वाई 0 ही होता है। अब मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए जो कि डबल है इधर भी और इधर भी, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था। तो जो शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए बाई रूट 2 to a y dx। तो y यहां से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे रख देंगे a बाई रूट 2 a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसे हाँ यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि 2 बार है। तो अब आप तो इसे सॉल्व कर ही लोगे, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने इसका पूरा अप्लाई करके बताया था, लिमिट पुट करके कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन 2y = 3x + 12। हम जानते हैं हमारा पैराबोला कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, पर उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। अब जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे 2y = 3x +
12 दिया हुआ है, ठीक है। तो y के प्लेस पे मैं यहाँ पे 3x प्लस 12 बाई 2 ये समझ सकता हूँ। ये इक्वेशन सेकंड है और फर्स्ट इक्वेशन मेरा ये है 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। वाई के प्लेस पे ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 4 इंटू 3x प्लस 12 बाई 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये हो गया कैंसल। अब ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 24। इसको इधर ले आए तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो दो वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगी जो कि होगी 4, -2। x की दो वैल्यू आई है ना 4, -2, तो यहाँ पे हम रखेंगे, y भी निकल आएगा, ठीक है। तो उससे इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा, तो ये जो सर्कल होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कुछ ऐसे बनेगा ये, और जो लाइन है हमारी वो कुछ ऐसे जाएगी। मैं कुछ ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट अब आप निकाल लोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ कट कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप खींच दीजिएगा, ये एरिया हमें फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो फिर से वही फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वाई जो लाइन का वाई है वो माइनस ये जो पैराबोला का है वाई वो लिमिट, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से यहाँ के लिए जो मिलेगा वही रख लेंगे, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं अगला वीडियो फिर से इसके लिए बना लूंगा और आपको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मैंने इसलिए इसको आपको हिंट किया क्योंकि इससे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखता हूँ लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पे दो पैराबोला दिया हुआ है, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जिसे हम जानते हैं उसका शेप कुछ यूं होता है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जिसका कुछ यूं होता है। तो हमें ये एरिया बताना है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे ये 0 to 0 ही है और यहाँ जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा उसके लिए फिर क्या करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या करेंगे, यानी कि दोनों का जो पैराबोला का है, पहला वाला जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इसके लिए और जो दूसरा वाला है यहाँ से y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4a हो जाएगा, उसी तरह लिमिट लगा के सॉल्व कर लेंगे। मतलब समझ रहे हो, आप चाहो तो इसे y1 कह लो, यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax, तो y इज इक्वल टू 2√a अंडर रूट x ऐसे बन जाएगा, और यहाँ की बात करूँ तो y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4a। तो जब हम रखेंगे a टू b, 2 अंडर रूट ए बाहर कर लिया रूट एक्स डी एक्स माइनस 1/4a बाहर कर लिया ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आप कह रहे होंगे ए बी क्या है भाई, ए बी यहाँ मिल जाएगा ना जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, चाहे तो वाई को एक्स में सब्सिट्यूट करके कर लेंगे या एक्स को वाई में सब्सिट्यूट करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट के तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आज के जो 5 क्वेश्चन आपको बताए इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको जरूर इससे कोई क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसना है, 100% मान के चलिए। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से तैयार करिए, आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए मेरी शुभकामना है। चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।